8 अप्रैल 2024 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 8 अप्रैल को रात 9:12 से मध्य रात 1:25 तक यह सूर्य ग्रहण होगा तथा 4 घंटे 25 मिनट की अवधि में सूर्य ग्रहण लगा रहेगा। हालांकि इस वर्ष भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल समान रूप से लगेगा और इसका असर सभी राशि के जातकों पर भी बिल्कुल समान रूप से होगा। ऐसे में ग्रहण काल के दौरान लोगों को काफी सावधानी बरतनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित प्रदीप आचार्य बताते हैं कि ग्रहण के दौरान सूतक काल लग जाता है जो ग्रहण से करीब 9 घंटे पहले लगता है और ग्रहण के 12 घंटे पहले से ही इसका काल शुरू हो जाता है। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। सूतक काल में पूजा पाठ व धार्मिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। ग्रहण में मोक्ष के उपरांत ही पूजा की जाती है और मंदिरों के द्वार भी मोक्ष के बाद ही खुलते हैं। ऐसे में ग्रहण के दौरान लोगों को कई सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित प्रदीप आचार्य बताते हैं कि ग्रहण शुरू होने से पहले लोगों को शुद्ध कर लेना चाहिए और ग्रहण के बाद लोगों को शुद्ध होने के लिए स्नान आदि करना चाहिए। ग्रहण काल में लोगों को खाना पीना वर्जित कर देना चाहिए। जो है सभी व्यक्ति को घर में ही रहनी चाहिए। भगवान शिव और विष्णु भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हौं जुं सः त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टि वर्धनं उद्वारुकं मन्त्रं मुच्यते ओम कृता। ये महामंत्र शिव जी का है, ये जाप करनी चाहिए। या ओम नमः शिवाय नमः शिवाय, स्त्री के लिए जो है शिवाय नमः और पुरुष के लिए नमः शिवाय। स्पर्श नहीं करना है, केवल मन से उत्पन्न होते हैं, होते जाना चाहिए भगवान का नाम। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि ग्रहण काल में लोगों को अपने इष्ट देव या देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा मन ही मन मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण के दौरान भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति की पाचन क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। ग्रहण काल के दौरान नाखून काटना, बालों में कंघी करना, दांतों की सफाई करना भी अशुभ माना जाता है और कहते हैं कि ग्रहण काल के दौरान लोगों को सोना भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण काल के दौरान धारदार चीजों का इस्तेमाल भी वर्जित माना गया है, तो इस ग्रहण के दौरान लोगों को इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। लोकल 18 के लिए जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।